नमस्कार, मैं काजल निशा। ठंड बहुत है, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। ठीक है साथियों, मुझे एक बात बताइए कि हम सवाल किससे करेंगे? सवाल तो हम सत्ता से ही करेंगे। सवाल जो है वो सरकार से ही होगा। ठीक, तो विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का काम है सरकार से सवाल करना, जनता के जो मुद्दे हैं उसको उठाना, जनता की जो समस्या है उसका समाधान सरकार करे। इसीलिए जनता के लिए आवाज उठाना विपक्ष का काम है, सवाल सत्ता से करना विपक्ष का काम है। ठीक है, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया कि देखिए, जीता जागता उदाहरण है ये भ्रष्टाचार का, अनूठा नमूना है कि बिना दीवार के, बिना दरवाजे के एक साथ चार शौचालय का निर्माण हुआ है। ठीक, टॉयलेट सीट जो होती है एक साथ चार जगह पर रखी गई, ना वहां दरवाजा है ना वहां पर आसपास में दीवार है, तो कोई खुले में बैठेगा या शौचालय में बैठेगा फर्क क्या पड़ेगा? टॉयलेट सीट पर सब लोग जो है वो मल का दान दक्षिणा एक साथ बैठकर करेंगे? ऐसा होता है कि आपके घर में कोई ऐसा करता है? ये सरकार हमेशा ही मूर्खता का जो है वो परिचय देती है। अभी अभी बीच में जो एक बहुत ज्यादा फोटो वायरल हुआ था कि 10 लाख के निर्माण से बना एक टॉयलेट जिसमें दो टॉयलेट सीट रख दी गई, मतलब एक बाथरूम में किसी के यहाँ दो टॉयलेट सीट होती है क्या? होती भी है तो एक इंडियन होती है और एक इंग्लिश होती है, कि भाई कोई बूढ़ा है, बुजुर्ग है, किसी के जोड़ों में दर्द है, नहीं बैठ पा रहा है, तो वो ऊंचाई पर जो इंग्लिश में बैठ जाएगा आराम से, और एक नॉर्मल जो इंडियन होता है। लेकिन एक साथ दोनों ही इंडियन टॉयलेट सीट रख दी जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? मूर्खता ही कहेंगे। नहीं, मतलब कोई ये बोलेगा कि ठीक है, सोमवार को राइट में बैठ जाता हूँ और मंगलवार को जो है वो लेफ्ट में बैठ जाता हूँ, नहीं बुधवार ठीक नहीं रहेगा, गुरुवार को लेफ्ट में बैठ जाता हूँ, ऐसा कोई करता है क्या? तो ये भ्रष्टाचार का एक जीता जागता अनूठा उदाहरण है या नहीं है? अखिलेश जी ने इतना ही ट्वीट किया और साथ में वो वीडियो भी डाल दिया जिसमें दिख रहा है कि न दरवाजा है न दीवार है, और ऐसे ही शौचालय का निर्माण ये सरकार करती है और बताती है कि हम जनता के लिए इतना सारा काम करते हैं। तो ये जनता का एक मुद्दा हुआ। तो क्या है ना कि भारतीय जनता पार्टी की तो आदत है कि असली मुद्दों को तो कभी सुनना नहीं है, समझना नहीं है, देखना नहीं है, सीधा गाली गलौज पर उतर जाना है। तो एक मैडम नई नई जो है, एक गंध गुलाबो एक नई पेश हुई है, पापा की परी, पापा ने आदेश दिया होगा और आई गुलाबो गंध फैलाने, तो वो उतर गई एकदम से सीधा, उस पर ट्वीट कर रही है कि हाँ अखिलेश जी को जो है वो तो टोटी और टॉयलेट ही दिखता है। तो इस पर फिर जो है समाजवादी आईटी सेल ने जवाब दिया। क्या है कि पहले तो हम उंगली करते नहीं है, लेकिन कोई उंगली करे तो उसकी उंगली अच्छे से तोड़ना भी हमें आता है। तो उस मैडम को जवाब दिया गया। अब मैडम जो है बिल्कुल संस्कारी पिता की संस्कारी बेटी बनते हुए, संस्कारी पार्टी की संस्कारी नेता बनते हुए अच्छे से उतर गई एकदम गंध फैलाने के लिए, टिप्पणियां करना शुरू कर दिया, भद्र भाषा एकदम बोलना शुरू कर दी, और किन के ऊपर? माननीय डिंपल यादव जी और उनकी बेटी अदिति के ऊपर। लगातार एक बार नहीं, बहुत सारे उसने ऐसे ट्वीट किए, बहुत सारी ऐसी बातें कही जो यहां बोलना भी ठीक नहीं है। उसने बहुत ही गंदे शब्द का प्रयोग किया डिंपल यादव जी के लिए, और वो मैडम आराम से लाइव डिबेट में जाती है और टीवी डिबेट में, वही गोदी मीडिया वाली डिबेट में जाती है और वहां बोलती है कि मैं हर महिला के लिए आवाज उठाऊंगी, मेरी पार्टी तो बड़ी संस्कारी है, मेरी पार्टी जो है वो महिलाओं की इज्जत करती है। मैडम को, गंद गुलाबों को ये पता नहीं है कि मैं जीता जागता सबूत हूं कि मैंने शालीनता से जब वीडियो बनाना शुरू किया था उसी में सब बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता एकदम टूट पड़े थे। मां बहनों की गाली देना, फोटो वायरल करना, एडिट करके फोटो छापना, ये बहुत सारी चीजें जो है बीजेपी ने शुरू की थी हमेशा। और वो एक मालवा है बीजेपी का, क्या नाम है, अमित अमित मालविया, आईटी सेल का जो है वो प्रमुख, और उसने जो है वो सारी गंध फैलाना शुरू कर दिया। बेचारों को हर ट्वीट पे 2 रुपया मिलता है, तो रोजगार जो है कमाना है, 2 रुपया कमाना है इन चवन्नी छापों को, तो इन लोगों ने शुरू कर दिया गंध बोलना। तो भाई ऐसे लोगों से कोई शालीनता से बात करेगा? मैंने हर वीडियो में कहा है कि ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। इन लोगों से शालीनता से बात करने की क्या जरूरत है जो खुद गंध है? अरे गटर से कोई कैसे शालीनता से बात करेगा? हाँ, मैंने हमेशा ही बोला है कि बात आपके घर तक पहुंचेगी, हमेशा सबको बोला है। लेकिन क्या है ना कि काजल निषाद को सब गाली देते तो सब सुन लेते हैं, काजल के लिए किसी को आवाज नहीं उठानी है। हमेशा मैंने वीडियो में बोला है कि बात आपके घर तक आएगी, उसका इंतजार मत करना, ये लोग बहुत नफरत फैला रहे हैं और नंबर सबका आएगा। और आज बात घर तक पहुंच गई, घर के अंदर पहुंच गई। वो मैडम का मनीष के साथ कुछ झगड़ा हुआ, समाजवादी के जो आईटी सेल चलाता है उसके साथ कुछ झगड़ा हुआ, तो मैडम सीधा 4 किलोमीटर दूर जो है वो पहुंच गई वहां डिंपल जी के घर पे, और कहती है कि मैं महिलाओं का सम्मान करती हूँ। संस्कारी पार्टी की संस्कारी डॉक्टर नहीं, गंध गुलाबों का झगड़ा मनीष से था तो मनीष को इंजेक्शन दे देती ना, सीधा रिपोर्ट कार्ड लेकर वहां अदिति के वहां कहां पहुंच गई? उस बेटी की क्या गलती है?
वो बेटी राजनीति में है क्या? उसको क्यों घसीटा? उसने क्या बिगाड़ा तेरा? हाँ, और बात महिलाओं की करती है, महिलाओं के सम्मान की बात करती है रे तू। हाँ, एक छोटी सी बच्ची को तूने नहीं छोड़ा, इस गंदगी में अपने गंध में लपेट के घूम रही है एक छोटी बच्ची को, और बात तू महिला सम्मान की करती है। हाँ, स्मृति ईरानी को फेल करना चाहती है क्या झूठ बोलने के मामले में? क्या रे रिचा, हाँ कहे चुप है, गूंगी हो? अरे गंध तुम लोग फैलाते हो और दूसरों पर इल्जाम लगा रही हो बैठ के लाइव में। क्या है कि गोदी मीडिया की गोद में बैठ के कितना भी उछल लो, लेकिन लोगों को अच्छी तरह से पता है कि गंदगी यहाँ कौन फैलाता है। और इतनी ही शरीफ बनती है, तुझे पता है कि तूने गलती की है तो देना गिरफ्तारी। इतनी शेरनी है तो किस बात का डर है कि यह गलत तूने टिप्पणी तो देना गिरफ्तारी। और ये मैडम अपने आप को लिखती है डॉक्टर रीचा राजपूत, ये डॉक्टर नहीं अपने आप को कहती है, तो ये मरीजों को गोली देते देते देश को गोली देने लग गई। एकदम लाइव डिबेट में एकदम झूठ बोल रही है, स्मृति ईरानी जी से भी आगे निकल गई है। तो पार्टी में बड़ा पद पाने के चक्कर में गुलाबो आई है गंध फैलाने। बहुत ही अभद्र टिप्पणी इसने लिखी है। पहले एक मुझे बात बता रीचा, मुझे एक बात बता, तू संस्कारी पार्टी की संस्कारी बेटी, मुझे एक बात बता कि वो जो बलात्कारी छोड़े गए वो किसने छोड़े, किसकी शह पर छोड़े गए? अमित शाह। अमित शाह कौन है? भाजपा के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता, हमारे गृह मंत्री जी हैं। हाँ, उन्होंने छोड़ा गुजरात में, किनको छोड़ा? बलात्कारियों को, बिल्किश बाने के बलात्कारियों को। फिर उसके बाद माला पहनाई गई उनको, आरती उतारी गई, वो संस्कारी जो बलात्कारी उनको छोड़ा गया, वो सही था। चलिए बात छोड़ दे। वो जो चिन्मयानंद है वो किसकी पार्टी में है? वो बलात्कारी बाबा जो ढोंगी संत अपने आप को कहता है, ठीक है चल वो बात छोड़ दे। ये बता कुलदीप सिंह सेंगर किसकी पार्टी में है? वो बलात्कारी। अरे वो बात छोड़ दे। ये बता कि कानपुर में जो है वो बालिका गृह में 7 बालिकाएं गर्भवती हो गई, कैसे गर्भवती हो गई? यही उत्तर प्रदेश की सरकार में। हाँ, ये सब बातें पुरानी हो गई होगी रिचा, तो तुम्हें याद नहीं होगा। क्या है कि डॉक्टर ने बिचारी जो है इंजेक्शन दवाई में एकदम बिजी होगी क्लिनिक में, तो बिचारी को पता वता होगा नहीं कुछ। हाँ, तो चल अभी की हाल की मैं घटना बताती हूँ। हाल की घटना, मनोज मित्तल कौन है रिचा? कौन है मनोज मित्तल? तुम्हारे भाजपा का ही नेता है ना, 12 किलोमीटर तक निर्वस्त्र एक बेटी को घसीटता हुआ लेके गया, शर्म नहीं आई तुम्हें? वो बेचारा जो है संस्कारी पार्टी का संस्कारी बेवड़े 5 लोग, तब तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दिया? तब तुम्हें महिला की इज्जत दिखाई नहीं दी? अच्छा, हाथरस कांड हुआ था तुम्हें पता है? बिना जो है परिजन को बताए रात को एकदम लाश जलाने पे उतारू हो गए थे ये सरकार और ये प्रशासन, तुम्हें नहीं दिखाई दिया था? और ऐसी हजारों घटनाएं, हजारों आए दिन घटनाएं होती रहती है, ये महिलाओं के साथ आए दिन छेड़खानी की घटनाएं, रेप की, बलात्कार की घटनाएं, और महिला सम्मान की ये लोग बात करते हैं? महिला सम्मान में भाजपा मैदान में ये लोग बात करते हैं? किस मुंह से ये बैठी बैठी बातें कर रही है? ठीक है, चलिए, एक देश में दो कानून तो नहीं हो सकते, दो संविधान तो नहीं हो सकता। अगर मनीष की गिरफ्तारी हुई है तो रिचा की गिरफ्तारी कब होगी? इसने भी तो अभद्र बोला, इसने कौन सा सही बोला? जब मैंने शुरुआत में ही शालीनता से वीडियो बनाना शुरू किया था, या मैंने हनुमान चालीसा वाला भी वीडियो बनाया है, उसमें भी भाजपा के लोग, अंध, गंध, भक्त, नेता सब मिलके कितना गंदा गंदा गाली दिए हैं, तब किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबको लगा कि अरे ये तो सबके साथ होता है, और बात आज घर तक पहुंच गई। मैं हमेशा अपने वीडियो में कहती हूं ना, बात घर तक पहुंचेगी। ये इतना नफरत फैलाते हैं ना, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये किसी के बाप के है ही नहीं, इनको मतलब ही नहीं। देखिए, जब कुछ समूह को, कुछ भीड़ को जब अपना नेता देश से बड़ा लगने लगे ना, एक भीड़ को अपना नेता देश से बड़ा लगने लगे ना, तो ऐसे लोगों का फिर कुछ नहीं हो सकता। ये लोग कभी भी देशभक्त हो ही नहीं सकते, और ऐसे गटर लोगों से शालीनता से बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये उस लायक ही नहीं है ना, ये सब गटर उस लायक है ही नहीं, तो ये रिचा भी उस लायक नहीं है। तो रिचा, ये बताओ कि तुम्हारी गिरफ्तारी कब होगी? मैं उत्तर प्रदेश पुलिस से और उत्तर प्रदेश के डीजीपी, यूपी के डीजीपी से भी मैं कहना चाहती हूं कि सर, कोई है जो हमारी बातें सुन रहा है, या फिर आपस में ही सब निपट ले। एक ट्वीट भी मैंने किया था सर, हमेशा ही, तो क्या करें बताइए सर? ऐसे लोग खुले घूमते रहेंगे? मनीष को तो गिरफ्तार आपने कर लिया, ठीक है छूट गए वो अलग बात है, गिरफ्तार तो हुआ था ना, तो रिचा की बारी कब आएगी, या इनकी बारी आएगी या नहीं आएगी? ये सवाल है हमारा सर, क्योंकि ये संस्कारी पिता की संस्कारी बेटी आराम से जो है लाइव डिबेट कर रही है, आराम से घूम रही है, और अपने आप को कह रही है मैं शेरनी हूं, और मैं शेरनी हूं, मैं लड़ूंगी इन गुंडों से। तुम लोग गुंडे ही कम कर रहे हो, किसी को अभद्र बोल के भी आराम से घूम के लाइव डिबेट में बैठी हो, तुम लोग सबसे बड़े गुंडे हुए ना। तो देखिए, अपने पार्टी का जो है वो संस्कार यहां उजागर मत करो, सबको पता है, दुनिया को पता है, विदेशों में भी पता चल चुका है कि कितनी बड़ी संस्कारी ये पार्टी है।
ठीक है। तो सर मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रही हूं कि रीचा की गिरफ्तारी जल्द से जल्द करिए। एक देश में दो कानून नहीं हो सकते, जो गलत है वो गलत है बस।